हाय दोस्त, राम राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि बैरिंग असेंबल कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको नहीं दिखाया, वैसे भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और एक ज़रूरी बात, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे। पहले ही अपने बैरिंग को हम सीरियल नंबर में कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी आउटसाइड कॉलर रखा। और इसके बाद आता है अपना टेपर रोलर बैरिंग। उसको रखने के बाद जो इसमें स्पेसर डाल देते हैं, जैसे अभी स्पेसर डाल रहे हैं हम। और फिर आउटसाइड हाउसिंग रखने के बाद इसमें बैरिंग का डिस्टेंस पीस रखते हैं, जो बैरिंग का डिस्टेंस बना के रखता है। फिर से टेपर रोलर बैरिंग रखने के बाद, ऊपर वाला आउटसाइड कॉलर रखने के बाद रख देते हैं स्पेस। वैसे तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन हम भी चोरी से बनाए हैं। बैरिंग डालने के बाद इसका कवर रख के इसका गैप चेक किया जाता है, गैप कितना है। गैप चेक करने के बाद उसी के हिसाब से इसका गैस्केट डाल दिया जाता है और बोल्ट टाइट कर देते हैं। और सेम प्रोसेस इसके पीछे वाले में भी आता है, यानी अपोजिट साइड। सबसे पहले इसमें गैस्केट लगाते हैं, उसके बाद इसका पीछे वाला स्लीप डालते हैं, जैसे अभी डाले हम। स्लीप डालने के बाद उसको सेंटर कर लें। और जैसे हम पीछे वाले कवर का वायल सील लगा रहे हैं, वायल सील लगाने से पहले उसमें थोड़ा गियर वायर लगा लें, उसके बाद सील डालें। नहीं तो सील फटने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं। सील को अच्छी तरह से बैठाने के बाद थोड़ा उंगली से प्रेस करें, वो बैठ जाएगा। बैठाने के बाद उसको स्लिप में डाल के उसको धीरे धीरे उंगली से प्रेस करते करते अंदर लेके जाएं उसको। उसको सेंटर कर लें। सेंटर करने के बाद ऊपर वाले सील का कवर लगा के उसको बंद कर दें। इससे क्या होता है कि अंदर सील के अंदर डस्ट नहीं जाता है। और इसको टाइट करें डायगोनल से। जैसे कि हमने सारे बोल्ट अभी फंसा लिए हैं,
टाइट करने के लिए आप कोई भी पाना की यूज कर सकते हैं, जैसे रिंग पाना हुआ, डी पाना हुआ, गोटी पाना हुआ। अभी तो हम इसका गोटी पाना यूज कर रहे हैं। सबको इक्वल टाइट करने के बाद फाइनल टाइट में डायगोनल से टाइट करते हैं। अभी हम सेपलन लगा रहे हैं जिससे बैरिंग में वायल जाता है। ये बैरिंग सिर्फ वायल से चलता है। सभी में सेपलन लगाने के बाद इसको टाइट कर दें, जिसमें वायल जाने के लिए 2 पॉइंट होते हैं और रिटर्निंग के लिए 1 पॉइंट होता है। अभी आपको नज़दीक करके दिखाते हैं। जैसे अभी दोनों को मैंने टाइट कर लिया है और लास्ट में ये बेंट लगा रहे हैं जिससे वायल अपना रिटर्न आएगा, और वो दो अभी टाइट किए हैं उससे वायल अंदर जाता है बैरिंग के अंदर। कभी भी बेंट को टाइट करते हैं तो हम उसका स्केल क्या यूज करें, या पत्ती हो या 1 mm की सीट हो, उससे हम बेंट को टाइट करते हैं। जैसे प्लायर की तरह उसमें कट लगा रहता है, इसलिए हम पत्ती या 1 mm की सीट की यूज करते हैं टाइट करने के लिए। अब उसको हमने टाइट कर लिया।